गुजरात बीजेपी के लिए एक सेफ हेवन की तरह है। वहां वो 26 में से 26 सीटें आराम से जीत जाती है, लेकिन इस बार उसे गुजरात की एक सीट पर हार का डर सता रहा है। जी हां, दिलचस्प बात यह है कि ये सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ननिहाल भी है। ये सीट है वडोदरा में पाटन लोकसभा सीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से इस सीट के पदाधिकारियों की बैठक ली, उसके बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी की चिंता और बेचैनी की वजह क्या है। क्या पाटन की लोकसभा सीट 2024 के चुनावों में बीजेपी के हाथ जा सकती है? गुजरात की सत्ता पर पिछले 27 सालों से काबिज बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि वो हर खतरे को पहले भाप लेती है और उससे निपटने की तैयारी भी पहले ही करने लगती है। वडोदरा में कार्यकर्ता संवाद के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिर्फ पाटन लोकसभा सीट से बैठक ली। बीजेपी ने इसे रूटीन बैठक करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पाटन लोकसभा की सीट को लेकर केंद्रीय हाईकमान की चिंता यूं ही नहीं है। दरअसल 2019 के चुनावों में इस सीट से 56.24% वोट हासिल करके बीजेपी से भरत सिंह जी लोकसभा पहुंचे थे और उन्होंने जगदीश ठाकुर को 1,93,879 वोटों से हरा दिया था। इसकी वजह ये थी कि इस लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से सिर्फ वडगाम को छोड़कर सभी जगहों पर कांग्रेस को हार मिली थी, यानी कि 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास पहुंची थी। लेकिन बीते सालों में इस लोकसभा के हालात काफी बदल गए हैं। अब 7 में से 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। सिद्धपुर, खेरालू और राघनपुर की सीट शामिल है, जबकि कांग्रेस के पास वडगाम, काकरेंज, चासमा, पाटन की सीटें हैं। इसी के चलते बीजेपी चिंता में है। पाटन लोकसभा सीट के पिछले पैटर्न को देखें तो किसी भी एक पार्टी का यहां पर वर्चस्व नहीं रहा है। पिछले 2 चुनावों से जहां बीजेपी जीत रही है, तो इसके पहले कांग्रेस के पास ये सीट थी। उससे पहले यानी 2004 में बीजेपी इस सीट पर जीती थी और इससे पहले 1999 में सीट फिर से कांग्रेस के ही पास थी। हालांकि इससे पहले जरूर बीजेपी ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी और 1991, 96 और 98 के चुनाव में यहां से महेश कनोडिया जीते थे। और पीछे जाएंगे तो एक बार जनता दल और उससे पहले कांग्रेस के पास ये सीट थी। अब पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाटन लोकसभा में आने वाली सिद्धपुरा विधानसभा में एक बड़ी जनसभा की थी। इस सभा में शाह ने केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गिनाया था और फिर से 2024 में समर्थन मांगा था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुजरात पहुंचकर सिर्फ इस सीट पर मंथन किया है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को लेकर थोड़ी तो घबराई हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।